अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू mobileshoop.com, दिस इज़ अद्दीन खान ब्लॉच। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo V21e में Android 12 Plus Fine Touch OS 12 की अपडेट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे Vivo V21e में Android 12 की अपडेट रिसीव हो चुकी है। यहाँ पे आपको जो है वो नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं अपडेटेड। यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Fine Touch OS 12 है और यहाँ पे हमें Android 12 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं कि अपडेट रिसीव हो चुकी है। अब आपके स्मार्टफोन में भी अपडेट रिसीव हो चुकी होगी, आप अपडेट्स में चेक कर सकते हैं। अगर नहीं रिसीव हुई तो भाई अपडेट्स चेक करते रहिएगा, विद इन 2 or 3 days आपको भी रिसीव हो जाएगी। कुछ नए इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल एक बेहतरीन यहाँ पे इन्होंने कर दी है, जो कि Vivo का यहाँ पे Fine Touch OS 11 था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन 12 यहाँ पे बहुत बेहतरीन हो जाता है, काफ़ी बेहतरीन है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो चीज़ें नए फीचर्स डाले गए हैं काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है इसको। और अगर आपको अपडेट नहीं मिली तो आपको भी विद इन 1 or 2 days मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है यूज़र्स को अपडेट रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइकन्स के जो है वो साइज़ भी थोड़े से तब्दील हुए हैं, और यहाँ पे बाकी जो चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमें देखने को इस तरह कुछ मिल रही हैं। बहरहाल यहाँ पे अपडेट रिसीव हो चुकी है और स्मार्टफोन में आपको जो है वो नेक्स्ट Fine Touch OS 13 तक की अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं देगा, क्योंकि Vivo जो है अक्सर 2 अपडेट्स दिया करता है। फर्स्ट अपडेट यहाँ पे आपको रिसीव हो चुकी है, इसके बाद भी इस तरह की एक बड़ी अपडेट इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल सकती है। कुछ ये थी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो क्लिक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।